ठीक है तुम लोग। हेलो महा, कब तक आएंगी? सरमत कैसे आऊं मैं आदम से कह दूं क्या? नहीं, नेहा और आदम किसी प्रोजेक्ट पे बिजी हैं। तो मुझे मिलना है ना आपसे। आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? पहली बार कर रहा हूँ, इतना तो हक बनता है ना मेरा। अच्छा आते। ओके। हाँ भाई निया, कैसी हो? बिल्कुल फिट। ये लैपटॉप क्यों लिए घूम रहे हो हाथ में? आपको तो पता ना प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा और आदम का। कहाँ है वो? बेटा कल तुम्हारी बहन की मेहंदी है, छोड़ दो ये काम सब। बस आज फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, अंदर जाओ और अगर हलीमा आंटी तुम्हें मिले ना तो उनसे कहना कि मिठाई वो स्टोर में रखवा दे। जी ठीक है। बेटा देखो अब ये हैं शादी के कपड़े, तो बहुत ध्यान से पैकिंग करनी है। ठीक है? डोंट वरी आंटी, बहुत अच्छी पैकिंग करता हूँ मैं। अभी भी लड़का बन रही हो? तुम्हें तो पता है ना मेरी आदत का। चलो मेरी हेल्प कर। बाबू पकड़ो। बहू बहू ये फिर गायब हो गए, किधर है ये नेहा चैंपियन? अरे मेडले सॉन्ग्स पे एक डांस की प्रैक्टिस करनी है। खुदा के लिए मामू आप तो सुकून से बैठ जाएं। मैं क्यों बैठ जाऊं, आराम से पूरा इवेंट स्पॉन्सर करवाए, एक एक वीडियो अपलोड होगी। और सुनो तुम्हारे खुतुब को पता तो नहीं चला टू पीस सूट का और वो बास्केट का? जी नहीं, क्योंकि मैं तो पैदा ही इसलिए हुई थी ना कि अपने शौहर से बातें छुपाती। हाँ छुपाती रहो वरना घोड़े की तरह बिदक जाएगा वो। आखिर किधर गई है ये नेहा? वो आदम के घर गई है कुछ प्रोजेक्ट डिस्कस करने। अबे यार ला, शाबाश, ये हो गया। दूसरा उठाओ दुपट्टा इसका। ओ ये रहा, दुपट्टा भी लगाओ, दुपट्टा भी लगाओ, खोलो। ये लो बच्चों। थैंक यू। अम्मी कितनी दफा कहा है खुदा के लिए वो डेक बंद करवा दें। बेटा भूल गई थी मैं, तुम बताओ कितना काम रह गया? ऑलमोस्ट डन। आधी देखो फॉर्मूला लगाया मैंने। तुम दोनों इसी तरह सुकून से काम किया करो ना। पहले आप इस घर में तो सुकून ले आए। I swear बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं क्या करूं, तुम्हारी नानी में तो किसी क्लासिकल डांसर की रूह घुस गई है। कहती है कि मैं मेहंदी पे सोलो परफॉर्मेंस दूंगी। अच्छा तो सोलो कर लें, ग्रुप परफॉर्मेंस कर लें, जो भी, हमें तो सुकून से काम करने दें। बोलती हूं। आई थिंक आई फाइनल हो गया। बहुत। एक बार फिर मेरा वाला पोर्शन देख लो। तुम्हारा हमेशा परफेक्ट होता है, मुझे अपनी टेंशन है। जरा फिर से देखो। एक बार सारम को चेक करवा लो। बिल्कुल भी नहीं सर, कुतुब को दिखाएंगे। सारम तो वैसे भी अभी फ्रेश ग्रेजुएट, अभी पढ़ के आया है, उसको क्या दिखाएंगे? इडियट। अच्छा अच्छा दिखा देना अब्बा को। वैसे तुमने एक तो काम मुकम्मल कर ही लिया है, एक और काम कर दो। वैसे अपने काम के लिए कैसे शहद टपकने लगती है तुम्हारे लहजे में। खालिस शहद होता है, जमा कर लिया करो, काम आएगा। मैं तुम्हें ना अभी एक मेडले सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट भेजूं, उनको डाउनलोड कर देना प्लीज। तुमने क्या परफॉर्म करना है? ऑफ कोर्स, हर मैदान की चैंपियन हूँ, तुम्हारी नानो को दो सॉन्ग्स में तो उड़ा ही दूंगी। प्लीज उड़ा ही देना, कम से कम मेरी शादी पे वो सुकून से बैठेंगी। वाह, प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ नहीं और शादी का सूझ गया। जल्दी कर लेना, मुंह में निकल जाएगी तुम्हारी। मजाक कर रही हूँ, सीरियसली मत लेना। खैर चलो मैं फिर निकलती हूँ, ठीक है? ओके ओके फिर। वो मुझे वो म्यूजिक का वो हाँ हाँ डन डन। ओके लव हाफिज़।